Take 15. And action! Uday! Uday, tum kahao! Bachao! But... Cut, cut. Cut it! Arey yaar, koi lines do. Rocks? Huh? Can I just take 5? Take 10, babyness. Pe chai lao koi! हर टेक के बाद कैन आई टेक 5 करेगी तो हमारी तो लग गई ना बेटे एक्सपीरियंस सर एक्सपीरियंस अब आप देखो ना मेरे टीवी का एक्सपीरियंस मेरे कितने काम आ रहा है अच्छा अब इतने सारे शॉट्स होते हैं रिएक्शन शॉट्स एक्सप्रेशंस इतने सारे एक्सप्रेशंस चेहरे पे टैलेंट भरा हुआ है अंदर दिखाऊं मैं आपको नहीं दिखाऊं रोमांस कट इंटेंस कट पद ले किया कट बाप बनने की खुशी कट माँ की मौत कट ये होता है सर टैलेंट एक्सपीरियंस इसी से आता है अरे एक्सपीरियंस उसको भी तो है तेरी माँ सर ब्लू फिल्मों में ना ये सब करने से ना एक्टिंग नहीं आ जाती एक इमोशनल सीन करना पड़ जाए ना फट के आत्मा आ जाती है सनी मैडी सोच के यहाँ कोई नहीं है कैमरा भी नहीं बस तू अकेला है एंड जो तू कब से ट्राई कर रहा है ना वो एक्चुअली हो जाता है क्या मैं तेरे पास आती हूँ अपने कपड़े उतारती हूँ फिर तेरे कपड़े उतारती हूँ तेरे बाल पकड़ के तुझे किस करती हूँ और अब तू क्या करेगा चल अब फुल फुल फीलिंग के साथ करके दिखा मैं तुझे क्यूज देती हूँ ओके माना कि ब्लू फिल्म में ऊ आ करने से कोई एक्टर नहीं बन जाता पर तुझसे तो उतना भी नहीं हुआ नीचे से जब खून वापस ऊपर पहुंच जाए तब जवाब देना ओके रेडी फॉर माय टेक यही मूड बना के रखना लेट्स डू इट आई मीन लेट्स गो फॉर टेक शायद तुमने सही किया ऐसे लोगों को यही भाषा सुन में आती है सो टेल मी व्हाई डू ऑल मेन इन दिस यूनिट थिंक आई एम अ होर नॉट ऑल मेन सिर्फ वो जिनका दिमाग उनकी पैंट में सो ऑल मेन नो नॉट ऑल मेन आई एम सॉरी गलती तुम्हारी नहीं है मुझे खुद नहीं पता है क्या हो गया है मुझे जब से आई हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है चलो मेरे साथ
क्यों अजीब लग रहा है? ठीक हो तुम? पता नहीं, आई मीन सर दर्द और सनी मैम, क्या मैं आपका टचअप कर दूं? बस 5 मिनट में। ओके। क्या हुआ ये? नथिंग। एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके? सत्या? या? यू आर राइट, सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। इस वाले सीन के लिए टच रखेंगे, ओके? आई वांट द लाइटिंग अ लिटिल सबड्यूड, ज्यादा लाइट्स नहीं चाहिए, ओके? समझ गए ना? लेट्स गो। हेलो बेबीनेस। हाय। कम। एक्सक्यूज मी। आइए ना, बैठिए। कम। रॉक्सी, आप मुझे मॉनिटर क्यों नहीं दिखाते? आई एम तो फुल्ली द डायरेक्टर्स एक्टर। या। व्हाट आई डू नाउ? अभी आपको हम लटकाएंगे उल्टा, और यू नो आपको ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे चुड़ैल दिख गई। ओके? लाइन याद हो गई? बचाओ बचाओ, बचपन से प्रैक्टिस कर रही हूँ। या वेरी गुड। अभी चलो इसको लटकाओ, लटकाओ इसको। कम कम प्लीज, आइए ना, बैठिए। कम। ओके रेडी? स्टंट बॉय उठाइए। बचाओ बचाओ। ओके इसको घुमाओ अभी। बचाओ। Now everyone ready? Roll sound. Rolling. Camera. Rolling. Short 5, take 1. Action. बचाओ, 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 बचाओ. Ah, very good, very good. अरे performance से हिला दो. Ah, yes. Very good, very good. और हिलाओ. चलाओ और क्या बोल रही हो तुम? ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मोनाली, ब्रिलियंट। अरे क्या इम्प्रोवाइजेशन था, अरे तुम तो बिल्कुल कैरेक्टर में घुस गई थी। अरे ढाओ ढाओ, अरे मजा आ गया, मजा आ गया। अरे ताली बजाओ ताली, क्या परफॉर्मेंस था। वेरी गुड मोनाली, वेरी गुड, मजा आ गया, वेरी गुड। अच्छा बहुत हो गया, शट अप, चलो पैक अप। चलो चलो गाइस, मूव इट, धक्का मारो धक्का मारो, चलो बी जल्दी करो सब लोग, रात होने के पहले हमें यहाँ से निकलना है। रात का शूट हुआ तो तब का तब देखा जाएगा, हमें यहाँ भूत और चुड़ैलों के साथ थोड़ी रात गुजार। तुम्हें पता है जब रॉक्स मुझसे पहली बार मिलने आया था, उसने कहा था कि वो मेरी एक्टिंग का फैन है। तुमसे क्या कहा था? कि उसे मेरी किताबें पसंद है। और तुमने उसकी बात मान ली? बेसिकली उसे पता था कि रागिनी की फैमिली उनकी कहानी लिखने के लिए सिर्फ तुम्हें परमिशन देगी। वो तो मैं समझ ही गया था, उसने मेरी एक भी किताब नहीं पढ़ी है। ऑफ कोर्स नहीं पढ़ी, रॉक्स के तो एसएमएसएस भी पांडे जी पढ़ के सुनाते हैं। कम ऑन चियर अप।
रॉक्स पे कितना और टाइम वेस्ट करोगे? मैं रॉक्स की नहीं मोनाली के बारे में सोच रहा हूँ। आज सेट पे जो हुआ था, अगर सच में मोनाली ने सीलिंग पे कुछ देखा हो तो। मोनाली इज अ ड्रामा क्वीन, वो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ कोई भूत नहीं है। रागिनी की माँ को ऐसा नहीं लगता। मतलब? रागिनी की माँ का विश्वास है कि इस घर में कुछ है, और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस घर से दूर रहूं। पर मैं फिर भी ये आइडिया रॉक्स को दे आया। पर अब लगता है कि शायद मैंने अपने करियर के खातिर हम सबको खतरे में डाल दिया। सत्या, डोंट बी सिली। हम सब अपने अपने करियर्स के लिए यहाँ आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। अगर मेरे वजह से किसी को भी कुछ भी हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। किसी को नहीं, तुम्हें जरूर होगा। अगर तुम इस रेट से विस्की पीते रहे तो कल सुबह तुम्हारे सर में हथौड़ों का ऑर्केस्ट्रा बजेगा। तुम मुझे पीने से रोक रही हो? नहीं, मैं तुम्हें अकेले पीने से रोक रही हूँ। ध्यान से मैडम, दो ड्रिंक्स के बाद मेरे जैसे लड़के भी हैंडसम लगने लगते हैं। बारिश रुक गई है, चले? Yes. फैमिली खत्म हो गई, लेकिन ऑब्चुरी में पटवर्धन ने सिर्फ बच्चों का नाम दिया। That's weird. बच्चों की मां का क्या हुआ? कॉफी। Finally, here comes my great assistant निशांत। Yeah. कहां थे? ब्राजील से कॉफी बीन्स लेने गए थे। अरे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं थोड़ी देर बाद भी आता ना, तब भी आप यहीं की यहीं होती। Just stuck to your seat. मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो, और ऊपर से यू आर सो बिजी, फिर भी ये फ्रीकी केसेस के लिए टाइम निकालते रहते हो। आई मीन फंडा क्या है बॉस? आई एम ऑन टू समथिंग। अरे डॉक्टर डी, ये सब भूत प्रेत चुड़ैल हॉन्टेड हाउस वाले रूमर्स ना उन्होंने फैलाए, ये सब पीआर मशीनरी का काम है रॉक्स की। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम विद यू गाइस इज, तुम लोग बहुत सिनिकल हो। एनीवेज, रागिनी के मेंटल असाइलम का फुटेज कहां है? मैंने देखा, आई विल शो इट यू। ध्यान से, रागिनी ना अपने बेड पर ऐसे बैठी है और उसके चेहरे पर साला कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, और बस आगे पीछे रॉक करती जा रही है for freaking 2 years. I nearly died of boredom, man. I'm so glad you liked it. I need the tapes on the table tomorrow. लेकिन listen, tomorrow. अरे but see, listen. Yes. कौन है?